नमस्कार साथियों, आज हम एक अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे भाई। यूएई में, दुबई में अगर आप रहते हैं, फ्लैट से रिलेटेड, किराएदार से रिलेटेड या फिर चेक से रिलेटेड बात करेंगे कि अगर आप फ्लैट किराए पे लेके रहते हैं, फ्लैट खाली करते हैं, तो आपको उससे पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपने किसी को गारंटी के तौर पे, जिसको जिससे आपने फ्लैट या रूम किराए पे ले रखा है, उसको गारंटी के तौर पे आप एडवांस में चेक देते हैं, उसका कैसे ध्यान रखना चाहिए, छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है। जी हाँ, क्योंकि वीआई में आपको पता है भाई, चेक बाउंस को आपराधिक कार्रवाई में माना जाता है और उसके ऊपर खिलाफ में कार्रवाई होती है। यात्रा बैन भी लगाया जा सकता है, एयरपोर्ट पर गिरफ्तार भी किए जा सकते हैं। डिटेल से जानिए। वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं साथियों, आप मान लीजिए दुबई में रह रहे हैं, वीआई में रह रहे हैं कहीं पर भी, और आपने फ्लैट किराए पर ले रखा है काफी लंबे समय से, 8-10 साल से आप रह रहे हैं। जी हाँ, फिर आपको लगता है कि यार चलो हम रूम फ्लैट आपका चेंज करने का मन है या फिर छोड़ने का मन है, आपको इंडिया वापस आना है, कुछ भी रीजन आप मान सकते हैं। जी हाँ, तो अब आपको करना क्या होता है कि आप फ्लैट खाली कर रहे हैं, उससे जब आपने फ्लैट लिया था तो आपको पता है भाई, दुबई वीआई में एक गारंटी के तौर पे चेक एडवांस में लिया जाता है। जो किराया दे रहे हैं वो तो अलग है, उसके अलावा सिक्योरिटी मनी के तौर पे डिपॉजिट होता है। वो फ्लैट के डिपेंड करता है, फ्लैट के हिसाब से 1000 दराम, 2000, 5000, 10000 दराम, जिस हिसाब से भी डिपॉजिट के तौर पे, जैसे गारंटी के तौर पे कि भाई जब फ्लैट खाली करेंगे तब आपका ये चेक आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, बाकी किराए का वो प्रोसेस अलग चलता रहता है। जी हाँ, अब आप लगता है कि यार चलो फ्लैट खाली करना है, आप अपने मालिक से संपर्क करते हैं, जो भी फ्लैट का मालिक होता है उनको बोलते हैं कि जी हमने फ्लैट खाली करना है, तो वो बोलता है जी कोई बात नहीं, कर देना आपको नोटिस, यानी आप 2-3-4 महीने पहले उसको बोल देते हैं। हालांकि देखिए, आपको ध्यान रखने की बात है कि आप यूएई में फ्लैट खाली करते हैं तो आपको 90 दिन पहले यानी 3 महीने पहले एक नोटिस देना होता है। जी हाँ, अब नोटिस किसको दोगे, जिसके साथ आपका अग्रीमेंट हुआ है उसको एक नोटिस देना होता है, उसमें बातें मेंशन की होती है कि भाई जो हम 3 महीने के बाद में इतनी तारीख को आपका फ्लैट खाली कर रहे हैं। जी हाँ, तो देखिए ये एक लीगल अग्रीमेंट हो गया ना, माइंड में उसके घुस गई भी 3 महीने बाद ये फ्लैट खाली होगा तो हम ये फ्लैट दूसरे को किराए पे चढ़ा देंगे, वो उनका अलग से एक टारगेट बन जाता है और वो अपनी कार्रवाई में जुट जाते हैं। ये दुबई का जो रेंटल लॉ है उसमें भी बातें मेंशन की गई हैं। हालांकि आपने मुख जबानी उस जिसके साथ अग्रीमेंट हुआ उनको बोल दिया तो वो बोलता है जी कोई बात नहीं, लीगल नोटिस देने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे मान लेते हैं 3 महीने बाद आप खाली कर देना। अब आप क्या करते हैं, 3 महीने बाद फ्लैट खाली कर देते हैं, आप उनसे सिक्योरिटी जो मनी आपने जमा की थी, चेक दिया था उनको, वो वापस मांगते हैं। तो वो फिर नाटक करने लग जाता है, मना कर देता है कि हम चेक आपको वापस नहीं देंगे, आपने हमें 3 महीने पहले नोटिस नहीं दिया था, इसलिए दुबई का जो रेंटल लॉ है अब उसका आपने उल्लंघन किया उसके नियम का, इसलिए हम आपको जो चेक है वो रिफंड नहीं करेंगे। अब आप क्या करेंगे जी, आप बताइए आपके पास क्या ऐसा अल्टरनेट है, जबकि आप अगर उनकी रेंटल लॉ में शिकायत करेंगे डिस्प्यूट से वहाँ पे रेंटल डिस्प्यूट सेंटर में, तो भी आपके खिलाफ, आपने नोटिस दिया उसका सबूत नहीं है आपके पास, आपने मुख जबानी बोल दिया था वो एक, चलो आप 8-10 साल से रह रहे थे, आपका अच्छा रिलेशन था, ठीक है, लेकिन जब फ्लैट खाली हो जाता है ना भाई, मकान मालिक के साथ में और जो रेंटल है ना उनके साथ में, उस उतने ही टाइम वो रिलेशन रहता है, क्योंकि वहाँ पे आप जैसे 2 जाते हैं 4 आते हैं 4 जाते हैं 8 आते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि ये बंदा 9-10 साल से यहाँ रह रहा था, अपने साथ इसके अच्छे लिंक हैं, तो इनका चेक आराम से वापस करते, वो चेक कुछ लोग ऐसे होते हैं वो नहीं करते, उनको सिर्फ पैसे से किराए से मतलब है, यानी आपका जो सिक्योरिटी मनी का डिपॉजिट आपने उनके पास चेक रखा था वो चेक वो वापस नहीं दे रहा है। जी हाँ, तो आपके पास ऐसा कोई सबूत नहीं बनता है कि वो चेक आप वापस ले सके, क्योंकि देखिए दुबई का जो रेंटल डिस्प्यूट सेंटर है वो भी है, दुबई का रेंटल लॉ में साफ साफ आते हैं कि भाई 90 दिन पहले आपको नोटिस देना होता है, नोटिस वो एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद आप फ्लैट 3 महीने में खाली कर दोगे तो आपका जो डिपॉजिट चेक है वो वापस रिटर्न हो जाएगा, लेकिन यहां पे आपको नुकसान हो जाता है। जी हाँ, तो इन चीजों को आपको पहले से ध्यान रखना चाहिए। सेकंड टॉपिक पे अगर बात करें कि मान लीजिए आपने कहीं पर फ्लैट किराए पे ले रखा है, आपने बंदे को चेक दे रखा है, आपने माइंड में ये बात नॉर्मल सी थी, आपने थोड़ा इग्नोर कर दिया यार चलो कोई बात नहीं, आज की डेट का चेक है, 10 दिन बाद में क्लियर करवा लेंगे, 10 दिन में कौन सी भागे जा रहा है, आप ऐसा सोच लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं, या फिर आप मान लीजिए अपने देश आ जाते हैं या फिर ट्रेवल के लिए किसी बाहर निकल जाते हैं, तो आपको माइंड से बात निकल जाती है, वो बंदा क्या करता है पीछे से आपका चेक बाउंस बैंक में लगा के चेक बाउंस करवा लेता है। जी हाँ, आपको पता है भाई चेक बाउंस करवाते ही फिर तो मुकदमा बनता है, आपराधिक मुकदमा बन जाता है। जी हाँ, वही का जो रेंटल लॉ है 401 की धारा एक्ट में, कानून में साफ साफ बातें लिखी है, आपराधिक मामला बनता है फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप तो विदेश से दुबई से बाहर गए हैं, आपका फिर वो कोर्ट में मैटर चला जाता है, कोर्ट उसके गिरफ्तारी के आदेश निकाल देती है और बंदा बड़ा एक्टिव होता है, उसको पता होता है कि आप विदेश गए हो, एयरपोर्ट पे भी ये नोटिस आ जाता है कि भाई इस बंदे का ये मैटर है, एयरपोर्ट पे गिरफ्तार किया जा सकता है आपको। जी हाँ,
अब आप क्या करोगे, आपको यानी आपको आपको पता है, आपको पता लग गया, चेक बाउंस हो गया, आपके पास ईमेल आ गए, मैसेज आ गए, आप उनसे संपर्क करते हैं, अरे भाई पैसे पैसे भी आप चुका देते हैं। जी हाँ, आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए, आप पैसे भी चुका देते हैं फिर भी आपको ये साथ में दिक्कत आ सकती है, आपकी गिरफ्तारी भी होगी, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इन चीजों से आप पहले से एक्टिव हो रहे हैं भाई, जी जो चेक का लेन देन है ना, चाहे वो फ्लैट में हो अदरवाइज कोई भी लेन देन में हो, सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है, वरना चेक का मामला 401 में आपराधिक मामला बन जाता है और फिर आपको जेल, आपको एक्स्ट्रा मुआवजा देना, फिर आपको यात्रा बैन करवाना, मतलब काफी लंबा प्रोसेस चला जाता है। और आपको यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखने की जरूरत है कि देखिए दो बातें होती हैं, मैंने पहले भी बताया था कि एक डिपॉजिट चेक आपको अलग से देना होता है जो सिक्योरिटी मनी के तौर पे जमा होता है, एक किराए के तौर पे आपको चेक अलग से चलता है जो महीने का, 3 महीने का 6 महीने का आप देते रहते हैं। आपका अगर कि रेंटल वाला मंथली जो 3 महीने से किराया दे रहे हैं वो चेक आपका बाउंस हो जाता है, तो आपने जिनके साथ अग्रीमेंट हुआ उसको माइंड में शक हो जाता है, फिर आपको वो चेक वापस नहीं करेगा, कौन सा, जो आपने सिक्योरिटी मनी के तौर पर जमा करवाया था, वो फिर भी बाउंस, वो भी चेक वो बाउंस करवा सकता है कभी भी। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखने की बातें हैं, जिनके साथ अग्रीमेंट आपका होता है उनके साथ तरीके से पेश आना चाहिए, चेक बाउंस नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप बोल देते हैं फोन पे, सर चेक 10 दिन बाद में लगा लेना, अभी अकाउंट में पैसा नहीं है, वो हाँ कर लेता है लेकिन पीछे से वो चेक लगा देता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका टारगेट ही होता है कि उनको लपेटना, उनको फंसाना कानूनी कार्रवाई में, फिर उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पहले हाँ कर लेते हैं, ठीक है जी कोई बात नहीं 10 दिन बाद में लगा लेंगे, लेकिन वो चेक तुरंत उसी डेट का, जिस डेट का चेक है, चेक लगवा के बाउंस करवा के और मैटर कोर्ट में पहुंचा देते हैं, आपको पता भी नहीं लगता, फिर आपके खिलाफ में गिरफ्तारी वारंट आता है, आपको मैसेज आता है, ईमेल आता है, पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, तब आपको समझ में आता है कि ये क्या हो गया, फिर आपको मुआवजा देना, उसके साथ हाथाजोड़ी करना, फिर वो चेक लेना, काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो चेक वाले खास तौर से ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, चे आप और काम बाद में कर लें, चेक वाला काम समय पे करते रहिए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी, तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।